जय माता दी फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। राठौर फैमिली ब्लॉग्स में ममता आपका स्वागत करती है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बर्गर बन, इसे हम मिल्क बन भी कहते हैं, और ये मैं बिना ईस्ट और बिना ओवन के बनाऊंगी। तो आइए चलते हैं, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैंने एक बड़ा बाउल लिया है और उसके अंदर चलने रखेंगे। अब इसके अंदर हम 2 कप मैदा डालेंगे, 2 चम्मच पिसी हुई शक्कर डालेंगे, 1/4 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। चम्मच से नापे तो 4 चम्मच है, इससे बहुत ही क्रीमी टेस्ट आता है बन का। 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे और सभी चीजों को अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से इसके अंदर एरिएशन होगा और बन हमारा फुला फुला सा बनेगा बिल्कुल। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को चम्मच से मिक्स करेंगे, 1/4 कप दही डालेंगे, दही हमने ताजा लिया है यहाँ पर, 1 चम्मच तेल डालेंगे और हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आटे को गूंदने के लिए हमने 1/2 कप गुनगुना दूध लिया है। थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर आटे को मिक्स करते हुए गूंदेंगे। यहाँ हमें आटे को रोटी के आटे की तरह नहीं गूंदना है, इसे हल्के हाथों से मिक्स करते हुए स्टिकी डो तैयार करना है। तो आप देख सकते हैं डो कितना स्टिकी तैयार हुआ है, और इसे गूंदने में हमें 1/2 कप से थोड़ा कम दूध लगा है। अब चॉपिंग बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा तेल डालकर उसे ग्रीस कर लेंगे। आप काउंटर टॉप पे भी तेल लगाकर आटे को मसल सकते हैं। हाथ पे थोड़ा सा तेल लगा करके आटे को हम इस पे मसलेंगे। आटे को हमें रोल एंड स्ट्रेच करते हुए हल्के हाथों से मसलना है, ज्यादा ताकत नहीं लगानी है। बीच बीच में हम इसे इस तरह से पटकते भी जाएंगे तो आटा हमारा एकदम स्मूथ तैयार होगा और इसके अंदर एक अच्छा एरिएशन होगा, जिससे बन बहुत ही फूले बनेंगे। तो आटे को हमने लगभग 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह से मसल लिया है, और अब हम इसका एक रोल तैयार करेंगे और चक्कू से 4 समान हिस्सों में इस पे कट लगा देंगे। हाथों में तेल लगाकर एक हिस्सा तोड़कर इसका बन बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं हाथों से रोल करते हुए अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमें बन तैयार करना है। ऊपरी हिस्से को प्लेन होने के बाद नीचे से आटे को समेटकर अच्छी तरह से सील कर देना है। तो आप देख सकते हैं बन एकदम ही अच्छा तैयार हो गया है, और इसी तरह से हम बाकी के बन भी बना लेंगे। तो सारे बन बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। बन यहाँ हम इडली के मोल्ड में बनाएंगे, तो उसके लिए इडली के मोल्ड को पहले हम तेल से ग्रीस कर लेते हैं। और टिश्यू पेपर से पोंछकर इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देंगे ताकि बन हमारे अच्छी तरह से डीमोल्ड हो सके। अब एक एक करके सारे बन इसमें रख देंगे और बन के ऊपर दूध से ब्रश से पॉलिश कर देंगे ताकि बन हमारे ऊपर से जले नहीं और एकदम ही सॉफ्ट बने रहेंगे। थोड़े थोड़े से तिल स्प्रिंकल कर देंगे हमने। यहाँ पर इडली मोल्ड की सबसे ऊपर वाली प्लेट को यूज किया है ताकि इसके अंदर हीट कम लगे और बन हमारे अच्छी तरह से कुक हो सके। बन हम यहाँ कुकर के अंदर बना रहे हैं, तो कुकर के सरफेस में नीचे नमक अच्छी तरह से हमने बिछा दिया है और उसके ऊपर एक स्टैंड रख दिया है। अब इसके अंदर हम इडली का मोल्ड रख देंगे। कुकर को हमने प्री हीट नहीं किया है,
ढक्कन में से हमने सीटी और रिंग निकाल दी है और इसे बंद करके 35 से 40 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे बेक होने देंगे। तो 25 मिनट हो चुके हैं, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे फूल गए हैं, लेकिन अभी इसका कलर लाइट गोल्डन है, तो थोड़ा सा डार्क गोल्डन होने तक इसे हम फिर से 15 मिनट के लिए बेक करेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इनका एकदम ही परफेक्ट कलर आया और ये बहुत ही अच्छे बेक हो गए हैं। तो अब इसे हम निकाल लेते हैं और इसके ऊपर ब्रश से थोड़ा सा बटर लगा देंगे ताकि ये ऊपर से सॉफ्ट बने रहें और इनका कलर भी बहुत अच्छा लगे। और अब गीले कपड़े से ढक करके आधे घंटे के लिए इसे हम रख देंगे ताकि ये ऊपर से और अंदर से एकदम सॉफ्ट बने रहें। आधे घंटे के बाद इसे हम चेक कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे बने हैं। और अब इन्हें हम डिमोल्ड करके प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तैयार हो गए हैं हमारे होममेड बर्गर बन। अब इसे मैं आपको कट करके दिखाऊंगी। तो आप देख सकते हैं अंदर से ये कितने स्पॉन्जी बने हैं और इनके अंदर कितने अच्छे एयर पॉकेट हो गए हैं। इन्हें दबाने से ये फिर से वापस अपने शेप में हो जाते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।